और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश से भारत को हार मिली, बांग्लादेश से हार पर राहुल द्रविड़ का क्या बहाना है, सुनकर आप ये बहाना आपका भी दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ पहला वनडे एक विकेट से गवाया और दूसरा मैच टीम इंडिया 5 रनों से हार गई थी। नतीजा सीरीज हाथ से फिसल गई। किसी ने नहीं सोचा होगा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल जैसे दिग्गज बल्लेबाजों से लेंस इंडिया टीम इंडिया वनडे सीरीज हार जाएगी। वही इसमें कोई दो राज्य नहीं है कि बांग्लादेश के बेहतरीन क्रिकेट खेल, लेकिन टीम इंडिया ने भी गलतियों में कोई कमी नहीं रखी। हालांकि हेड कोच राहुल द्रविड़ का यह मानना है कि फुल स्ट्रेंथ जो टीम नहीं होने की वजह से टीम इंडिया सीरीज हार गई थी। वहीं राहुल द्रविड़ ने दूसरे वनडे के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे नजरिए से अगर आप देखते हैं तो खेलना इतना आसान नहीं था, हमारे पास पूरी टीम नहीं थी, उम्मीद करते हैं कि जनवरी से हमें घरेलू सीरीज में खेलने के लिए पूरी टीम मिल जाएगी। राहुल द्रविड़ ने यह भी कहा कि आईपीएल से पहले टीम इंडिया को 9 वनडे मैच खेलने हैं, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-3 वनडे मैच खेले जाने हैं। वही द्रविड़ को उम्मीद है कि उन्हें इन तीनों सीरीज के लिए स्थिर टीम मिलने वाली है। वही भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का यह भी मानना है कि जनवरी से पूरी संभावना है कि भारत के पास फुल स्ट्रेंथ की वनडे टीम होगी जो अगले 8-9 महीनों में अक्टूबर नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप तक लगातार खेली जाए। और भारत का वनडे प्रदर्शन काफी निराशजनक रहा, लेकिन जिसमें न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ लगातार सीरीज में हार शामिल है और इसमें कार्यभार प्रबंधन के कारण काफी अलग टीम उतारी गई थी। उन्होंने ये भी कहा, पिछले 2 सालों में हम T20 को काफी अधिक प्राथमिकता दे रहे थे क्योंकि 2 वर्ल्ड कप खेले थे। अगले 8-10 महीने में हमारी प्राथमिकता वनडे क्रिकेट होगी और हर फॉर्मेट में ढलना इतना आसान नहीं होगा।